मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर खोलना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इनको पता चले कि वहाँ के लोग कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, उन पे कितने जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लाखों के हिसाब से आर्मी एंटर की हुई है जो तशद्दुद करती है जम्मू कश्मीर पे। चुप कर बे कुत्ते। सो हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से दे रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज ये टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भाई मज़ेदार सा टॉपिक है, क्योंकि भाई आज का टॉपिक है ना वो मैं आपको आपके लिए लेके आया भाई POK से, कि भाई POK के जो पीपल है, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उधर के जो पीपल है अब भाई वो इंडिया के साथ रीयूनियन होना चाहते हैं, क्योंकि भाई पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है ना वो भाई ऑल टाइम हाई चल रहा है। भाई आटा का जो रेट है हमारे इधर तो 25 रुपये में मिला है, उधर मतलब 300 से लेकर 350 रुपये में मिल रहा है। तो भाई इसी अवल से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, मतलब जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रखा है, उधर के जो कश्मीर पीपल है वो इंडिया के साथ रीयूनियन होना चाहते हैं। तो भाई चलिए इसी अवल से देखते हैं कि पाकिस्तान जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इन्हें अच्छे से बजाएंगे भी। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे आपके लिए ऐसे न्यू न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए और भाई ऐसे जाहिल वाले कंटेंट लेते आने के लिए। तो प्लीज़ अगर जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। मैं इसके बारे में कहना चाहता हूँ कि बॉर्डर खोलना चाहिए ताकि ये लोग वहाँ पे जाएं, वहाँ पे इनको पता चले कि वहाँ के लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन पे कितने जुल्म हो रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने लाखों के हिसाब से आर्मी एंटर की हुई है जो तशद्दुद करती है जम्मू कश्मीर पे। तो हमने आज़ाद कश्मीर को आज़ादी दी हुई है, उसका वो नजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तो बॉर्डर खोलना चाहिए, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे उनकी बेटियों बहनों के साथ भी वही सलूक हो जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, तो फिर उनको एहसास हो कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और पाकिस्तान ने हमें कितनी लिबर्टी दी हुई है। अबे जाहिल, तू मुझे एक बात बता, तू भाई रहता पाकिस्तान में लेकिन मैं इंडिया में क्या हो रहा है तुझे कैसे पता? भाई मैं तुम्हें हजारों बार बता चुका हूँ कि भाई अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई शक है, तो फिर आ जाओ एक बार इंडिया, आके देख लो इधर कश्मीर में क्या हो रहा है, सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं, इन बकलंडों को बिना लॉजिक के बात करना है यार। ऐसे नहीं, काफी अच्छे से चल रहे, लेकिन जो अब प्रोटेस्ट हो रहा है वो कुछ ज्यादा ही हो रहा है और अब बहुत बड़ी रैली भी निकाली गई है। क्या कहेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी हो रहा है, सिंध में भी हो रहा है। जी जी, उनसे पूछना चाहिए ना कि कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो पाकिस्तान आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, जो आप वहाँ पे जाके अवेल करना चाहते हैं। बेसिक नीड्स हमें मिली नहीं, ना आटा मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ दिया ही नहीं जा रहा, बहुत रैली निकाल रहे हैं। तो वो तो पंजाब में भी नहीं दिया जा रहा, पंजाब सबसे बड़ा प्रोविंस है, वीट यहाँ पे कल्टीवेट होती, राइस होती, वो तो पंजाब में भी नहीं दिया जा रहा। इशू ये नहीं है, इशू ये है कि उनसे पूछना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या हो रहा है जो आपको फैसिनेट कर रहा है कि हमें भी जम्मू कश्मीर जाना चाहिए। वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं लड़कियों पे, लड़कों पे, जो भी वहाँ पे आज़ादी की तहरीक चलाता है उसको कत्ल कर दिया जाता है, इससे बड़ी लिबर्टी क्या हो सकती है? हाँ, तेरे बाप ने आकर देखे गया था ना, अबे बुढ़े इतनी तेरी उम्र हो गई, कुछ तो लिहाज कर, कुछ तो सच बोल दे, ये कैसी बगैर बात है? कत्ले आम हो रहा है कश्मीर में, ये बात किसी को पता नहीं, मतलब हमारे इंडिया को भी पता नहीं, किसी फॉरेन जो कंट्रीज है उन्हें भी पता नहीं, लेकिन भाई इन भेजड़ी को पाकिस्तानियों को ये बात पता चल जाती है। क्यों बे, तू जाके कश्मीर के सर्विस दे के आया था क्या? सर, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर श्रीनगर की एक एक्टिविस्ट है, अनीका नजीर उनका नाम है, उन्होंने ना अपना चैनल भी बनाया हुआ है, अगर आपने देखा हो, यमरजल के नाम से। तो वो कहती हैं कि जो तस्वीर पाकिस्तान को कन्वे की जाती है वैसा नहीं है, और वो बकायदा व्लॉगिंग भी पोस्ट करती है, वहाँ की डेवलपमेंट वगैरह दिखाती है। आपको पता है वहाँ पर 5G चल रही है। उनसे पूछना चाहिए ना, उनसे पूछना चाहिए कि फिर मीडिया को वहाँ एंटर क्यों नहीं होने दिया जाता जम्मू कश्मीर में? उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको क्यों हाउस अरेस्ट किया हुआ है और उनपे उनकी लिबर्टी नहीं है कि वो भी कुछ बोल सके? अवाम के अंदर जो कोई बंदा आज़ादी के तहरीक चलाता है उसको पकड़ लेते हैं, यहाँ पे तहरीकें चल रही हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, रैलियाँ हो रही हैं जैसे आपने कहा है, तो हमने तो इतनी उनको आज़ादी दी हुई है कि वो अपनी मर्जी से रैलियाँ निकाल रहे हैं,
वहाँ पे वो अपनी मर्जी से कुछ कह के तो दिखाए जम्मू कश्मीर में, उसी टाइम आर्मी उनको आगे पकड़ लेगी। इसे कहते भाई जाहिलियत की हदें पार। अबे भाई तुझे शायद पता नहीं कि भाई आर्टिकल 370 हटने के बाद अब सब कुछ अलाउ है कश्मीर में। और भाई इसी साल, मतलब वो सब तो छोड़ो, इसी साल 2023 में G20 का एक सबमिट भी होने वाला है जम्मू एंड कश्मीर में। और भाई रही बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो भाई वो इधर हर किसी नागरिक को है, चाहे वो इंडिया का कोई भी नागरिक हो, चाहे वो कश्मीरी हो या फिर वो और किसी पार्ट से हो, उसे भाई हर तरह का फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन भाई अगर कोई गलत रास्ते पे जाकर टेररिज्म को सपोर्ट करेगा ना, जो मतलब आतंकवादी है उन्हें सपोर्ट करेगा, तो भाई उन्हें आर्म जरूर किया जाएगा। और अबे तुम क्या बात करते हो बे, तुम्हारे खुद के जो आर्मी है, मतलब जो बलूचिस्तान में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, मतलब और एक न्यू देश बनाने के लिए, तुम्हारी आर्मी उन्हें पकड़ के ले जाते हैं और भाई उन्हें मार देते हैं, तुम क्या ज्ञान पे लोगे हमें? हमारी ना पाकिस्तान की एक तज्जिया निगार है आलिया शाह के नाम से, अगर आपने सुना हो आलिया शाह। आलिया शाह का रिसेंटली मैं देख रही थी, उन्होंने जो एक अपना बयान रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर लगाया था जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, उसमें वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए ये लम्हा फिक्रिया है, हम कहते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर हासिल करना है, वहाँ बिजली है, आज़ाद कश्मीर में बिजली नहीं है, वहाँ डिवेलपमेंट हो रही है, यहाँ क्या डिवेलपमेंट हो रही है, ये सवालिया निशान है हम पर। ये हमारे तज्जिया निगार बोल रहे हैं। मिस फंडिंग लेते हैं ना वो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको फंड कर रही है, ये तमाम हमारे मीडिया एंकर्स को जिनकी आप आलिया की बात कर रहे हैं उसको दे माइट हैव टेकन फंड्स फ्रॉम इंडियन एजेंसीज, अमेरिकन एजेंसीज बोलने के फंड्स मिले होंगे। हामिद मीर ने भी यही बात बोली थी। हामिद मीर को भी मैं ऐसे ही समझता हूँ, पॉजिटिव व्यूज हामिद मीर के बारे में। अच्छा, जो हमें हमारी गलतियां गिनवाता है वो फंडिंग लेते हैं। नहीं नहीं मिस, इट्स गलतियों की बात नहीं है, देखें फ्लॉज हमारे अंदर हैं, फ्लॉज को हम एक्सेप्ट करते हैं। फ्लॉज किन कल्चर्स में, किन कंट्रीज में नहीं होती, मैं यूके के आपको यूएस के फ्लॉज बता सकता हूँ, फ्लॉज हैं, ऐसा नहीं है कि वी आर परफेक्ट नेशन। बट द पॉइंट इज के जितनी लिबर्टी आज़ाद कश्मीर में लोगों को है, उससे 1% भी लिबर्टी जम्मू कश्मीर में नहीं है। वहाँ पे हजारों किस्म की आज़ादी की तहरीक चल रहे हैं, वो इवन न्यूट्रल होना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उनको आज़ादी दें। कोई तहरीक नहीं चल रहा है इधर, जब चल रहा था भाई तब मतलब ये पूरे वर्ल्ड में कवर किया गया था, लेकिन भाई अब सब कुछ ठीक है और भाई स्वस्थ भी। देख भाई मैं तुझे एक एग्जाम्पल देता हूँ, भाई अगर एक बच्चा अपने माँ बाप से रूठ के, कुछ वजह से अपने माँ बाप से रूठ के अगर वो अलग हो जाना चाहता है, तो फिर क्या उसके माँ बाप उसे छोड़ देंगे कि भाई जा तू अलग हो जा? नहीं भाई, उन्हें पता है कि भाई अगर हम इसे अभी छोड़ देते, मतलब उस छोटे बच्चे को छोड़ देते, तो फिर ये मतलब बेकार हो जाएगा, इसे खाने को नहीं मिलेगा ठीक से, ये मतलब सर्वाइव नहीं कर पाएगा। वैसे ही भाई अगर भाई हम अभी कुछ मतलब चंद लोगों के लिए जो जम्मू कश्मीर में कुछ जो तुम फंडिंग करते हो जिन्हें, वो कुछ चंद लोगों के लिए अगर भाई हम जम्मू कश्मीर को अलग कर देते, तो भाई वो भी तुम्हारी तरह भूख से मर जाएंगे, यही प्लान है ना तुम्हारा? सही पकड़े हैं। की बच्ची हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा मेडल्स उन्होंने विन किए, उनका ना रिसेंटली इंटरव्यू हो रहा था, मुझे उनका नाम एग्जैक्टली तो याद नहीं है, मगर वो भी जम्मू कश्मीर से हैं। मिस जम्मू कश्मीर से कितने लोग हैं जी, जम्मू कश्मीर से कितने लोग हैं जो इंडियन क्रिकेट टीम में हैं, जो इंडियन हॉकी टीम में हैं, बता दें मुझे। आईपीएल का रिप्रेजेंटेटिव एक जम्मू कश्मीर के लड़के को चुना गया। वो चले मिस, एक बच्चे को चुना गया, कितने लोगों में, कितनी टीम्स हैं उनकी, किस लेवल पे वो प्लेइंग कर रहे हैं, हर चीज के अंदर कितने एक लोग जम्मू कश्मीर से आते हैं, इवन लेस देन 0.1% 0.2%, और वो तो कहीं से भी निकल सकते हैं। अबे तू एक नंबर का जाहिल है क्या भाई, क्या सारे के सारे जो कश्मीरी है उन्हें क्रिकेट में ले ले या फिर हॉकी में ले ले? अबे भाई जो मतलब काबिल होगा, जो मेहनत करता होगा, जो उस काबिल होगा, उसे ही तो भाई सिलेक्ट करेंगे। और भाई तुम पूछ रहे थे कि आईपीएल में कितने ज़्यादा कश्मीरी है, तो भाई मैं आपके लिए बता दूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि भाई टोटल 21 प्लेयर्स भाई सिलेक्ट हुए आईपीएल में खेलने के लिए, और भाई उसमें से 14 मतलब 14 फास्ट बॉलर थे उसमें। अगर भाई आपको विश्वास अभी भी नहीं होता ना, तो भाई जाके गूगल चेक कर लो या फिर कोई आर्टिकल पढ़ लो। चोमू सही बात है। अच्छा इंटरनेशनल योगा सेंटर की अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो वो बन रहा है। आपको पता है इस वक्त सबसे पहला केबल स्टेट ब्रिज और सबसे हाईएस्ट जो ब्रिज बनाया गया है वो जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। वहाँ की ट्रेन रेलवे का आप निज़ाम देख ले, अब क्या कहेंगे कि वहाँ पर तो डेवलपमेंट हो रही है, आज़ाद कश्मीर में क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट पर हुकूमत क्या काम कर रही है? मिस आज़ाद कश्मीर के अंदर टैक्स फ्री जोन हैं,
काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर में शिफ्ट हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम हैं। और आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान को क्या चीज़ दे रहा है? पाकिस्तान हर चीज़ आज़ाद कश्मीर को दे रहा है। दे हैव इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर, दे हैव इंडिपेंडेंट कैबिनेट, उनके पास हर तरह के रिसोर्सेज हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान फंड देम, पाकिस्तान सपोर्ट देम, और क्या वो चाहते हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। ये होता है भाई जाहिलपन, जब आप प्योर मदरसे छाप से डिग्री कंप्लीट करते हो। अबे क्या इंडिपेंडेंट बना दिया, अलग एक कैबिनेट बना दिया, तो क्या सब कुछ हो गया, सब कुछ मिल गया उन्हें? अबे आज तक तो उनके जो मेंटेनेंस सिस्टम है और भाई जो लेन देन है और भाई जो सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो कारोबार है वो तो सारे तुम संभालते हो, सिर्फ नाम का ही आज़ाद है। सारे फायदे लेते हो वहाँ से, लेकिन भाई उन्हें फंड नहीं दे रहे हो जितना कि उन्हें भाई चाहिए। आटा एकर 250 से 300 रुपये हो चुका है जम्मू कश्मीर में, मतलब जो तुम्हारा पीओ के है, और भाई तुम बोले कि भाई उन्हें और चाहिए ही क्या? सर पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आपको क्या लगता है, अगर मैं आपसे बात करूँ एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है इकोनॉमिकल क्राइसिस जितने भी चल रहे हैं हमारे मुल्क में, और अगर हम कश्मीर की स्पेशली बात करें तो कोई भी बाहर की इस्लामिक कंट्री हमारा साथ क्यों नहीं दे रही, और यूएस ने भी ये बात कह दी है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में, क्या वजह लगती है? देखें मिस, ये इकोनॉमिक वार है, आप समझती हैं। अच्छा सर थोड़ा सा पीछे हो जाएं। इंडिया के अंदर इंडिया के लोग क्यों इतने ज़्यादा वो ऊपर जा रहे हैं? इकोनॉमिक वॉर है वहाँ पे। पाकिस्तान में 22 अरब की आबादी है, वहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है, वहाँ पे बिजनेसेस हैं, वहाँ पे पॉपुलेशन है, हर कोई अपने बिजनेस का सोचता है। अच्छा। आप देखें और पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये सिर्फ यूएई में अमेरिका में क्या करने जाते हैं, लोन्स लेने जाते हैं। पाकिस्तान की ट्रेड क्या है उनके साथ, पाकिस्तान कितना इंपोर्ट करता है, कितना एक्सपोर्ट करता है? चाइना को देखें, पाकिस्तान की जितनी एक्सपोर्ट है इतनी तो वो इंडिया सिर्फ आईटी में ट्रेड कर लेता है। तो इंडिया की रिकॉग्निशन ज्यादा है पूरी दुनिया में। सर जो मुल्क छोटे हैं वो भी हमसे आगे, जापान, बांग्लादेश। हाँ, बांग्लादेश का जीडीपी आप देखें पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, उनके रिजर्व देखें पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, पाकिस्तान के अंदर करप्शन है। अरे दीदी क्यों काट दिए, इतना अच्छा तो बोल रहे थे मेरे जाहिल चाचा। और चाचा जी आपको अगर पता है कि भाई हम हर चीज से आपसे आगे, हर फील्ड में हम आपसे आगे हैं, तो फिर क्यों पंगा लिया करते हो हमसे? शेर के जी आन में अगर उंगली करोगे तो फिर शेर तुम्हें वहीं पकड़ के तुम्हारे जी आन मार लेगा, इसलिए हमसे थोड़ा बच के और कम पंगा लिया करो। शाबाश बेटा, ये हुई ना बात। सऊदी अरब इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इंडिया सऊदीया का एक बहुत बड़ा ग्राहक है। अच्छा। तो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी सऊदीया पाकिस्तान को प्रेफरेंस नहीं देगा, ये बहुत बड़ी वजह है। दूसरा ये कि पाकिस्तान के अंदर राइट्स नहीं दिए जाते, अगर पाकिस्तान हमारी रियासत आज़ाद कश्मीर के राइट्स पूरे नहीं कर सकती तो भाई आज़ाद कश्मीर के लोगों के पास राइट है, वो जहाँ पे जाना चाहे चले जाए। अबे भाई कहाँ पे चले जाए, जमीन इनको कर रहे या फिर ऐसे ही बोल रहे हो? 40 लाख से भी ज्यादा पीपल है वहाँ पर, अगर भाई वो जमीन छोड़ के मतलब यहाँ पर चले आएंगे तो फिर भाई वो रहेंगे कहाँ पर? यहाँ पर कौन से ज्यादा जमीन है मतलब इंडिया में, वैसे भी हमारे इधर बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है। लेकिन भाई अगर आप जमीन इनक्लूड कर रहे हो ना तो फिर आई अप्रिशिएट यू, बहुत नेक विचार है आपके। अबे हंस क्यों रहे हो सच में? सर आपको क्या लगता है कि क्या राइट्स नहीं मिल रहे होंगे? उन्होंने कहा है कि हमें बिजली नहीं मिल रही, आटा नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा इतने सालों से। आज़ाद कश्मीर आज़ाद तो हो गया है लेकिन फिर भी आज़ाद नहीं है। मैम देखें आप, राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, हर बंदे की एक गुडविल भी होती है कि वो कहाँ पे यानी कि किसके साथ इंगेज होना चाहता है, पाकिस्तान के साथ या दूसरे मुल्क इंडिया भारत के साथ। तो अगर वो भारत के साथ इंगेज होना चाहते हैं तो वो हो जाए, उनको राइट है। ये बंदा बिल्कुल ऑनेस्ट है भाई, सीधी बात, नो बकवास। अगर भाई आज़ाद रहना चाहते हैं तो फिर रहे, अगर भाई पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं तो जाए, अगर भाई इंडिया के साथ रहना चाहते हैं तो फिर रहे। लेकिन भाई नहीं, पाकिस्तान में मतलब ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जिन्हें कि भाई थर्ड ऑप्शन बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि भाई जो कश्मीरी है वो इंडिया के साथ रहें, उनकी बहन की पोर्की यार। शाबाश बेटा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, आईटी की बात करें, क्या पाकिस्तान में वो तालीम दी जा रही है, क्या उस तरह के असासे यहाँ पर मौजूद है जैसे वर्ल्ड को चाहिए? बिल्कुल नहीं है।
बिल्कुल नहीं। तो सर ये होती है डेवलपमेंट जब आप एजुकेशन में आगे जाओगे तो ये सड़कें ये आजकल सब कुछ आजकल देखें आप मेटावर्स टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग माइनिंग कर रहे हैं बीटीसी की, फिर देखें वेब 3.0 टेक्नोलॉजी के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को तो नाम भी नया है वेब 3.0 मेटावर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है बीटीसी माइनिंग ईरान के अंदर इंडिया के अंदर बकायदा माइनिंग मशीन है, इंडिया वालों ने अपनी खुद यानी कि अपनी जाती एक्सचेंज उनकी चल रही है, हमारे यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पे फ्रॉड होता है। अरे भाई चल मान लिया तू बंदा बड़ा अच्छा है, एजुकेटेड भी है और भाई टैलेंटेड भी है, लेकिन भाई अगर तू पाकिस्तान में रहकर ये सब चीज ढूंढने की कोशिश करेगा ना तो मेरे भाई तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, जाहिल हो जाएगा तू, वहाँ मिलेगा तो सिर्फ एक ही चीज और भाई फ्री में भर भर के मिलेगा कि भाई जिहादी बनकर मंदिर तोड़ो और जन्नत मिलेगी। सही बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाई। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो, भाई कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई हो ना तो प्लीज अगर प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट को जरूर से कर देना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इससे, भाई जरूर से कर देना। और भाई आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है कि भाई जो जम्मू कश्मीर के जो पीपल है, मतलब जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का जम्मू कश्मीर, वो मतलब इंडिया के साथ रीयूनियन होना चाहता है, क्योंकि भाई आप सबको तो पता होगा कि भाई पाकिस्तान का जो अवस्था है मतलब बद से बदतर होता जा रहा है, आटा उधर 300 से मतलब 250 से 300 हो गया है, और भाई जम्मू कश्मीर में कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर रहे, एक ही यूनिवर्सिटी है उधर से मतलब वहाँ पर सिर्फ, और भाई कुछ भी नहीं मिल रहा है उधर, गरीबी भरी पड़ी है जो पीओ के है। तो भाई आपका इस बारे में क्या कहना है जरूर कमेंट से बताना, तो भाई मैं अभी के लिए चलता हूँ, मैं आपसे मिलूंगा और एक न्यू टॉपिक लेके और एक न्यूज़ और एक ट्रेंडिंग टॉपिक लेके और एक मतलब जहल वाला कंटेंट लेके आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं अभी के लिए चलता हूँ, वंदे मातरम, जय हिंद, जय खेल लिखिएगा, वंदे मातरम।